यू मियो टीवी पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं होली, और होली पे नन अदर दैन मेरे साथ हैं, और मेरे साथ ही क्या पूरी आवाम जानती है उन्हें, हमारे साथ हैं अर्शी खान वंस अगेन। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है आप बीसीएल में, बहुत ज्यादा दिख रहे हो आजकल। क्यों नहीं दिखूंगी ये बताओ मैं मुझे ही तो दिखाएंगे बोलो, क्योंकि आवाम सबसे ज्यादा मुझे पसंद करती है, तो ज्यादातर मेरे ही प्रोमोस चल रहे हैं और कैसे मतलब क्या चल रहा है, खेल रहे हो, बैटिंग बॉलिंग क्या कर रही हैं अर्शी, वो बताएंगे। मैं फील्डिंग कर रही हूँ, मुझे हितेन ने ना बैटिंग दी ना बॉलिंग दी, इस बात पे मेरी बहुत लड़ाई भी हुई है बीसीएल में, आप लोग देखिएगा, लेकिन वो थोड़ी सी हंसी मजाक वाली लड़ाई थी, उसको पता नहीं वो कैसे शो करेंगे पता नहीं, लेकिन लड़ाई हुई है उनसे मेरी, और मैंने फील्डिंग की है और अपनी टीम, मैंने लोगों को डिस्ट्रैक्ट बड़ा किया है जैसे ही वो लोग बैटिंग करने स्टार्ट करते थे मैं पीछे से बोल देती थी अरे 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 आराम से, तो विकेट उड़ जाता था तो ये काम मेरा बहुत अच्छा था। और राइट, मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्शी हमारे साथ आई हैं होली के डिनर डेट पे, एंड शी इज द डेट ऑफ माइन, सो मैं हूँ महाराजा भोग में जहाँ पे हम खाने वाले हैं थाली वेज। अर्शी वेज थाली, वेज थाली खिलाएंगे आज ये मुझे होली पे लोग नॉन वेज थाली खाते हैं अच्छा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जो करेंगे स्टोरी उसमें हम नॉन वेज में चले जाएंगे, वैसे मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूँ। ईद पे, ईद पे, ईद पे मुझे ले चलना नॉन वेज थाली खिलाने के लिए। ऑलराइट पक्का, तो फिलहाल हम अंदर चलते हैं और उसके बाद बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, चलिए अर्शी। तो होली है और होली के दिन मैं, मेरे पास कलर भी है अर्शी, होली है तो फिर मैं तो चाहूंगा कि होली का कलर मैं अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट और बिग बॉस को कलर लगा के करे, तो आप ये तो नहीं बोलते ना कि तुम्हारा फेवरेट है, नहीं, तुम लोग की आदत है, तुम लोग जो सामने आता सके तो आप मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हो। टिल नाउ फ्रॉम बिग बॉस, आफ्टर बिग बॉस मैं आपके अलावा किसी से मिला नहीं हूँ, तो यू वॉन्ट मी कि मैं और कुछ बोलूँ उसके अलावा। रंग लगाने का तुम्हें बहुत ही ज्यादा हक है, लगाओ तो कौन सा वाला आपको, आप बताओ। मुझे ग्रीन और येलो दोनों पसंद है, तो मैं थोड़ा सा लगा लगे हैप्पी होली अर्शी, बहुत बहुत शुक्रिया अभी लगा सकते थे उसमें चली गई थी, मैं कौन सा कलर लगाऊं, कोई भी ये लगाऊं, हाँ हाँ येलो लगाती हूँ, ठीक येलो ग्रीन मिक्स करती हूँ। हैप्पी होली। अच्छा अर्शी, होली से कोई मेमोरी इफ यू वांट टू शेयर विद अस। ऐसा नहीं है, बहुत सारे फेस्टिवल्स रहे हैं, चाहे मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे जितने भी आसपास लोग रहते थे वो हिंदू रिलीजन के रहते थे, तो मतलब दोनों ही बहुत अच्छे से मनाते थे, ईद भी दिवाली भी होली सब बहुत अच्छे से, यादें हर फेस्टिवल के साथ रही हैं, फैमिली के साथ अच्छा लगता है फेस्टिवल मनाना, लेकिन अभी इतना काम रहता है 6 महीने से नहीं जा पाई अपने घर, लेकिन इस बार भी काम के सिलसिले में जयपुर में होली मनेगी और फिर देखेंगे इंशाल्लाह घर जाएंगे और यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ मनाएंगे। ऑलराइट ठीक है, तो हमारे पास खाना आने वाला है, खाना पहले खा लेते हैं फिर बाद की बात हम बाद में करते हैं। अच्छा ये केसर और किसका, चंदन का शरबत है, चंदन मुझे बड़ा पसंद है, तो मैं चीयर्स करेंगे हम दोनों साथ में, शॉट लेंगे। सो थाली इज ऑल सेट और ये कितना लजीज लग रहा है अर्शी, वॉट ऑल दीज, मतलब मुझे तो आधे नाम ही नहीं पता, आपको पता ही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को वेजिटेरियन बना दूं अभी, मतलब फुल ऐसी फीलिंग आने लगी है मुझे, नाम मुझे पता है, सबसे ज्यादा फेवरेट तो मेरा दही वड़ा है, दही वड़ा ये है गुजराती दाल, ये है गुजराती सॉरी मारवाड़ी कड़ी और ये मारवाड़ी दाल और ये मूंग की दाल है और इसका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, ये पालक पनीर है और ये आलू और लहसुन का है और ये दूधी और वड़ा, दूधी और बड़ी व्हाटएवर जो होता है ना वो उसकी सब्जी है, और ये है हमारी बाजरे की रोटी है और मक्खन है, और इस पे मक्खन है और गुड़ है, हाँ ठीक है,
तो मुझे भी थोड़ा कम कम समझ आता है। और ये तो मतलब ये तो खाऊंगी मैं। और ये क्या है, अखरोट अखरोट और चीकू की खीर है, खीर। और लास्ट में हम पियेंगे ये। तो फिर हम वक्त जाया नहीं करते अर्षी, और मुझे पता चला है कि अर्षी भूखी भी है, खाना नहीं खाया हम लोगों ने, हम लोग साथ बहुत दिन से परसों गुजर गए परसों गुजर गए, मैंने खाना नहीं खाया। आज देख कर ऐसा लग रहा है भगवान तुमने मेरी कामना पूरी कर दी। ठीक है, तो मैं कामना पूरी की बात है तो फिर पहले खा लीजिए, फिर हम उसके बाद बात करते हैं। खाना तो हो चुका अर्षी, हाउ वॉज द फूड? खाना बहुत ज़्यादा लजीज था और बहुत अच्छा खाना था। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अच्छा खाना बनाते हैं। मतलब क्या, कौन सा खाना आपको सबसे ज्यादा डिश पसंद आया? मुझे खट्टा और थोड़ा स्पाइसी बड़ा पसंद है, तो इनके अंदर जो कड़ी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक गुजराती दाल मैंने पहली बार खाई है जो थोड़ी सी मीठी थी और लेकिन बड़ी टेस्टी थी। दही बड़े तो नो, दही बड़े तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, तो बहुत अच्छे थे। अच्छा, इस साल होली के क्या प्लान्स हैं आपके? इस साल होली मेरा जयपुर में एक इवेंट है होली पर, और उसके बाद मैं होली की पार्टी देने वाली हूँ। 4 या 5 तारीख को रहेगी, तो मैं अपने जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स, आप भी आएंगे आएंगे और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। पहले काम हमने सोचा पहले पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद पार्टी करते हैं। अच्छा, होली पे ठंडाई बनता है, भांग बनता है, ये सब बनता है, कोई इससे कुछ ऐसे रिलेटेड कुछ ऐसे मेमोरी? एक्चुअली आई लव भांग लेकिन मेरी फैमिली में मुझे कभी भी पीने नहीं दिया है, सब कुछ मारती मेरी माँ मुझे। लेकिन अब मैं शायद सोच रही हूँ कि एकाध तो पी लूँ ग्लास अच्छे से मेरी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने भांग पी ली और वो लोग थोड़े हंसे जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे। तो मैंने कहा बेस्ट है, इस बार मैं भी करूंगी, एक मतलब ऐसी जगह पे करूंगी जहाँ पर सिर्फ अपने दोस्त रहे, तुम लोग रहोगे तो बस आराम से पी कर ना हंसती रहोगे, तुम लोग यूजुअल करते रहे। और लास्टली व्हाट यू वांट टू से टू ऑल द फैंस एंड व्यूअर्स हर्षी दिस होली? मैं यही कहना चाहूंगी कि फेस्टिवल एक एक साल में एक बार आते हैं और उसे अच्छे से मनाना चाहिए। हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनको अच्छे अच्छे मैसेज करके मना लो और अच्छे से होली सेलिब्रेट करो, लेकिन सेफ रहो, ज़्यादा ड्रिंक ना करें, बिकॉज होली है, थोड़ा एंजॉय करें, ड्रिंक करके एक एक जगह गिर गए उससे क्या फ़ायदा है। तो अच्छे से मनाइए और जश्न मनाइए। और जितने भी मेरे आवाम के लोग हैं यहाँ पर इंडिया में, पाकिस्तान में, जितने भी मेरे फैंस हैं, उन सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं तहे दिल से आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हैप्पी होली। थैंक यू सो मच अर्षी हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन यशवंत के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।